today is a lovely day. Myself, Ankita Singh Rajput from Trinity Public School, Baksar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 5th subject mathematics. Here mathematics means in Hindi, Gadit. So let's begin. स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फेयर कॉपी में राइट डाउन आप लोग लिख लीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2. Write each of the following numbers in words using international place value system. यानी write each of the following numbers in words, A से लेकर F तक. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में A से लेकर F तक जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है, शब्द में लिखना है, यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. किसको यूज करके, किसको प्रयोग करके? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज करके. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम मीन्स होता है इसका हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्रणाली. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बताने से पहले कि कैसे इसको वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे इसका यूज करके, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या होता है? वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस. ओके माय स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, ए में है 2,456,750. हम इसको कैसे पढ़ते हैं? राइट से, ये मेरा राइट हैंड है, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन लिखते कैसे हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ. ओके, जीरो किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे. इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा होता है, जीरो किस प्लेस पे है? तो वंस, फाइव, टेंस, सेवन, हंड्रेड, सिक्स, थाउजेंड, फाइव, टेन थाउजेंड, फोर, हंड्रेड थाउजेंड और टू मिलियंस. तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो 2,456,750. ओके माई स्टूडेंट्स, बी में 5,300,745. तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे और वर्ड्स में, मतलब इसको यूज करके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज करके कैसे इसको वर्ड्स में लिखेंगे? तो 5 मेरा वंस प्लेस पे, 4 टेंस प्लेस पे, 700, 0,000, फिर 0, 10,000, 300,000 और 5 मिलियन. तो इसको लिखेंगे 5,300,745. सो स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज मत होइएगा, एक चीज़ समझिए आप अच्छा से, 70,700,186. अब इसको कैसे लिखेंगे? 6 मेरा वंस प्लेस पे, 8 मेरा टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 0,000, फिर 0, 10,000, 700,000, 0 मिलियन और 7, 10 मिलियन. तो इसको लिखेंगे हम लोग वर्ड्स में 70,700,186. आई रिपीट अगेन, 70,700,186. डी है 38,257,198. 8 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, 9 टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 7,000 प्लेस पे, 5 10,000 प्लेस पे, 200,000 प्लेस पे, 8 मिलियन में और 3, 10 मिलियन प्लेस पे है. तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम? तो 38,257,198, 38,257,198. ई है 624,456,346. 6 किस प्लेस पे है? वंस, 4 टेंस प्लेस पे, 300, 6,000, 5 10,000, 400,000, 4 मिलियन, 2
10 मिलियन और 600 मिलियन, तो इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे, 624,456,346. आई रिपीट वंस अगेन, 624,456,346. एफ है क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट एफ, 356,567,178. एट किस प्लेस पे है, वंस, सेवन टेंस, वन हंड्रेड, सेवन थाउजेंड, सिक्सटीन थाउजेंड, फाइव हंड्रेड थाउजेंड, सिक्स मिलियन, फाइव टेन मिलियन एंड 300 मिलियन. तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज करते हुए, तो 356,567,178. आई वंस रिपीट अगेन, 356,567,178. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टू में एक एक चीज क्लियर किया है. अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है स्टूडेंट्स, तो आप उस कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें कि मिस मुझे यहाँ समझ में नहीं आया. तो जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ आपकी मैथ्स की, तो मैं जो भी आपको दिक्कत होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगी. क्योंकि आप जब मेरे को सपोर्ट करते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं मिस मेरी इतना अच्छा पढ़ाई, तो मेरे को भी लगता है कि नहीं मेरे को बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है. तो सो स्टूडेंट्स, जहाँ भी आपको क्लियर ना हो, जहाँ भी आपको समझ में आने में दिक्कत हो, लगे कि समझ में आ नहीं आया, तो आप वहाँ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. मैं ज़रूर चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को कि क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो. ये मिस आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगी और हमेशा अच्छा पढ़ाएंगी. और आपका जो भी होगा क्वेश्चंस, मैं आपको कमेंट्स में अगर आप दोगे तो मैं लिख के जरूर आपका रिप्लाई दे दूंगी, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जब जाएगा तो प्रोवाइड कर दीजिएगा. सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस एंड आल्सो हैव अ नाइस डे.